माई YouTube फैमिली। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आने वाले त्योहारों की तैयारी कर रहे होंगे। और मैं जानती हूँ सभी लेडीज़ लगी हुई हैं इस समय शॉपिंग करने में, कि नवरात्रि है, दुर्गा पूजा है, फिर करवा चौथ है, फिर दशहरा है, फिर दिवाली है, तो सबके घर में बहुत सा काम होगा। तो आप बढ़िया से अपने काम निपटाइए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिल्कुल किसी की परवाह मत करिए, कोई क्या बोलता है, आप अपनी ज़िंदगी में मस्त रहिए। चलिए आज हम लोग बात करते हैं फेस के इश्यूज़ के बारे में। जैसे कि मैंने कहा फेस्टिव सीजन चल रहा है, तो सभी लेडीज़ लगी होंगी एकदम बिल्कुल प्रॉपर वे में कि मुझे फेशियल कराना है, मुझे अपनी स्किन को ठीक करना है, सब कुछ करना है। सब कुछ करिए, आपकी ज़िंदगी है, आप मज़े लीजिए, मैं भी करती हूँ, आप भी करिए, सब करिए, ठीक है। लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो पेट में जाएगा वो बाहर आएगा, जो आप खाते हो वो फेस पे दिखता है, ठीक है। आप फेस पे क्या लगा रहे हो उससे ज़्यादा मैटर करता है कि आप पेट में क्या खा रहे हो अपने, ठीक है। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिए, मजाक की बात नहीं है, सच बोल रही हूँ मैं। और मैं आपको कोई दवाइयों की तरफ जाने को भी कभी नहीं बोलती हूँ, आप हमेशा होम रेमेडीज़ करिए, उनके ज़रिए आप अपने आप को ठीक करिए। लेकिन हाँ, साल में एक फेशियल मैं भी लेती हूँ, आपको भी लेना चाहिए बीच बीच में, और हफ्ते में 3 दिन स्क्रबिंग और 1 दिन फेस मास्क ज़रूर करिए, ये तो आपको करना ही करना है। लेकिन साल में एक फेशियल मैं भी लेती हूँ, आप लोग भी लीजिए, कोई बुराई नहीं है। और आप अगर आपको ज़्यादा अपनी स्किन पे एक्सपेरिमेंट करवाना है तो भैया खूब फेशियल करवाओ, मैं तो नहीं कहती हूँ मत करवाओ, लेकिन एक फेशियल को कम से कम 4 महीने का गैप दिया करो एक फेशियल को, क्योंकि स्किन डैमेज हो जाएगी, फिर ये इस पर छुर्रियाँ और झाइयाँ बहुत ईजिली पड़ती हैं। जितना आप इतनी स्किन को रगड़वाओगे ना धूप के कांटेक्ट में आने के बाद, वो उतनी ही पतली होती चली जाती है, और पतली होने के बाद उस पर स्किन एजिंग दिखने लगती है। उसी को बोलते हैं स्किन एजिंग। हमारी पहले की मम्मियाँ वगैरह को क्यों चली स्किन एजिंग नहीं दिखती, क्योंकि भैया वो अपने स्किन पर इतना हाथ नहीं लगवाती थी किसी का, इसलिए नहीं दिखती थी। तो आज मैं बात कर रही हूँ आपके फेस्टिव सीज़न में आपके अंदर से ग्लो आए, अंदर से निखार आए, उसके लिए। और देखो, कोई भी मेरा जो वीडियो है, कोई भी वीडियो मेरा प्रमोटेड नहीं होता है, ये मेरा खुद का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं बात कर रही हूँ कायाकल्प वटी की, ये पतंजलि की तरफ से आती है दिव्य कायाकल्प वटी, ठीक है। और ये है 80 रुपये की टैबलेट है, 80 रुपये की टैबलेट आती है ये। और ये पिंपल्स हों, रिंकल्स हों, झाइयाँ हों, एक्जिमा हो, खुजली हो, और दाग धब्बे हों, फेस पे अनइवन स्किन टोन हो, उन सभी चीज़ों को ये ठीक करती है और करती है, मैं इसका सबूत हूँ। क्योंकि मेरा जो बर्थमार्क था वो ये, मुझे दवाइयों का रिएक्शन हुआ था तब मेरे ये जीभ में और बर्थमार्क पे और ज़्यादा स्पॉट गहरा हो गया था। मेरे जब मैं पैदा हुई थी तो मेरे कोई बर्थमार्क नहीं था, ये जब मैं 10-12 साल की उम्र पे हुई तो मेरे यहाँ पर एक दाना सा निकला, मैंने उसको खुजा खुजा के रब कर दिया, ये ऐसा भयंकर निशान पड़ा। फिर मैंने मम्मी ने डॉक्टर को दिखाया, जब डॉक्टर को दिखाया तो उस डॉक्टर ने मेरे को गलत दवाई दे दी, जिसकी दवाई से मेरे को रिएक्शन हो गया, और रिएक्शन की वजह से ये इतना हिस्सा मेरा पूरा ये डार्क, बिल्कुल डार्क ब्लैक हो गया था, बहुत बुरा लगता था, आधा गाल मेरा बिल्कुल ही अजीब लगता था देखने में। लेकिन ये आपको, अब मैं अपना चेहरा दिखाने लायक हुई हूँ ना, तो अपना स्किन केयर की वजह से हुई हूँ। और मैंने साल में एक बार एक बॉटल खाती हूँ मैं, ये ज़रूर खाती हूँ, कोई नुकसान नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बिल्कुल सेफ दवाई है, आप मेरा कहना मान के आप लो। देखो, जो पेट में जाएगा वो फेस पे आएगा, मैं बार बार यही बात बोलती हूँ, फिर से बोल रही हूँ, आप ये दवाई लो, ये इतनी इफ़ेक्टिव है ना। और आप सोचोगे इसे खा के आपके पेट में जलन होगी या कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जिनको पाइल्स की दिक्कत होती है ये दवाई उनको भी दी जाती है। आप थोड़ा रिसर्च करो यूट्यूब पर पतंजलि बाबा रामदेव की ये दवाई के बारे में, तो इसके साथ वो अर्शकल्प बटी एक गोली देते हैं पाइल्स की दिक्कत के लिए। तो अभी हम फिलहाल करवा चौथ के ग्लो की बात कर रहे हैं, पाइल्स की बात फिर कभी करेंगे, तो वो पाइल्स भी उसे बिल्कुल ठीक हो जाती है, ये भी मैंने सुना है। अच्छा, तो ये आप बिल्कुल ले सकते हैं और आप लेकर देखो, फ़ायदा होगा ही होगा, क्योंकि करवा चौथ में 1 महीना एटलीस्ट रह गया है। अब 1 महीना क्या रह गया है, थोड़े ही दिन रह गए हैं, तो 15 दिन में आपको फ़र्क दिखने लगेगा। और आप खाओ, पहले आप 1-2 दिन, 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को, मैं बता देती हूँ इसमें कैसे लिखा है। इसमें देखो, जड़ी बूटियाँ तो बहुत सारी लिखी हैं, पढ़ते पढ़ते मुझे सुबह हो जाएगी, तो मैं बता दे रही हूँ किस तरीके से यूज़ करनी है। 1-2 टैबलेट ट्वाइस डेली बिफोर मील्स, खाना खाने से पहले पानी के साथ 2 गोलियाँ सुबह 2 गोलियाँ शाम को, ऐसे हमें ये गोलियाँ लेनी है। आप ये गोलियाँ लो,
आप यकीन मानो आप अपनी स्किन में, फेस में, पूरे शरीर में, बालों में, हर चीज़ तरीके का अलग ही बदलाव देखोगे, बिल्कुल आपकी स्किन एक अच्छे वे में काम करेगी, ठीक है। और आप जो प्रोडक्ट अपने फेस पे लगाओगे ना, वो और अच्छे से वर्क करेंगे इसके साथ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो। और एक चीज़, हाँ, एक पॉइंट मैं वहाँ पर जोड़ना चाहती हूँ कि आप पहले, दूसरे, तीसरे, तीन दिन आप इस टैबलेट को यूज़ करो, खाओ, और अगर आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट लगता है तो आप इस टैबलेट को तुरंत बंद कर देना। वैसे तो इससे कोई साइड इफ़ेक्ट होना नहीं है, लेकिन 100 में से कोई एक होता है जिसकी बॉडी एलर्जिक होती है, एलर्जी रिएक्ट करती है, तो अगर उसको एलर्जी है, रिएक्शन दे रही है कुछ, तो प्लीज़ बंद कर देना, इसमें मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। लेकिन मैं ये खा रही हूँ, खाती हूँ, मुझको फ़ायदा होता है। जैसे मेरे को लगता है ना थोड़ा सा भी कहीं पर पिंपल हो गया, तो उसको फोड़ने की बजाय मैं ये 2 गोलियाँ सुबह शाम खाना शुरू कर देती हूँ, वो अपने आप बैठ के और वो ख़त्म हो जाता है अपने आप, मैं उसमें कोई छेड़खानी नहीं करती हूँ। तो इसीलिए ये मेरे को सबसे बेस्ट लगती हैं। आप भी यूज़ करो और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियो शेयर करो, जिनको दिक्कत समस्या है, किसी को पिंपल्स की या स्किन की कोई रिलेटेड समस्या है, तो आप ये वीडियो उनके साथ शेयर करो ताकि उनके काम आए। और वीडियो को लाइक करो और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये टैबलेट खा के फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। तो चलती हूँ मैं, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। क्योंकि रात में वीडियो बना रही हूँ इसलिए गुड नाइट, ओके।